पत्नी से हुए विवाद के चलते क्वारंटाइन युवक ने की थी आत्महत्या। गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज अंतर्गत भगौरा में बृहस्पतिवार को एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना प्रकाश में आई थी। क्वारंटाइन युवक राजू दिल्ली से 15 मई को आया था, जिसे गांव के बाहर एक छप्पर में क्वारंटाइन कर दिया गया था। 21 मई को उसकी डेड बॉडी फंदे से लटकती हुई मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कुछ समाचार चैनलों द्वारा खबर चलाई गई थी कि युवक को कोई भी राहत सामग्री न प्रदान करने की वजह से खान पान की समस्या से ग्रस्त होकर युवक ने फांसी लगा ली। कुछ ग्रामीणों ने इसके संबंध में बयान भी दिया था। घटना के दिन देर शाम अपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी ने बयान जारी किया था कि युवक व उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जनपद के थाना उमरी बेगमगंज में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने की घटना प्रकाश में आई है, क्या है मामला सर? ग्राम गभौरा थाना उमरी बेगमगंज तहसील तरफगंज में एक घटना प्रकाश में आई है, जहां राजू पुत्र राघव राम द्वारा आत्महत्या की गई है। SDM तरफगंज की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह पति पत्नी के बीच का विवाद था, जिससे कि उसने आत्महत्या की। आज दिनांक 21/5/20 को थाना उमरी बेगमगंज को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत गांव गंभौरा में एक व्यक्ति ने अपने मढ़े में फांसी लगा ली है। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष मै फोर्स के उक्त गांव में जाकर जानकारी प्राप्त किए तो मृतक व्यक्ति के परिवार वालों एवं गांव वालों ने जानकारी दी कि मृतक अपनी पत्नी के साथ गांव से बाहर अपने मढ़े में रह रहा था। कुछ पारिवारिक विवाद से क्षुब्ध होकर उक्त व्यक्ति ने मढ़े में लटक कर फांसी लगा ली है। उक्त व्यक्ति के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।